वेलकम टू ऑन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट, क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब अच्छे से होंगे एंड घर में भी सब अच्छे से होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी फॉर 2022-2023 एंड दोज हु आर गोइंग टू अपीयर दिस ईयर। होपफुली मेन अब आने वाला है और आप लोग स्टडी भी कर रहे होंगे। और आज भी हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके डाउट्स हैं। अब ज़रा डाउट पहले सुन लीजिएगा सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या डाउट लेके आए हैं। एक कैंडिडेट आया है जो एक डाउट लेके आया है कि सर रिगार्डिंग द रिसेंटली द गवर्नमेंट केम इनटू द कंक्लूजन दैट जो हमारा एक आश्रम है इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लाइक जहाँ से गांधी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस की शुरुआत की थी। अब इस आश्रम में जो बना हुआ एरिया है वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके साथ कुछ 60 एकड़ की ज़मीन है जिसको वो चाहते हैं कि और मॉडिफाई किया जाए, उसको खूबसूरत बनाया जाए ताकि लोग और टूरिस्ट अट्रैक्ट हों और इस आश्रम तक पहुंच पाएँ। जी आपने सही सुना, मैं साबरमती आश्रम की बात कर रहा हूँ जहाँ से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, खासकर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। अब जो इश्यू क्रिएट है वो ये है कि बच्चों का ये मानना है कि सर क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज आपको बैलेंस अप्रोच में आंसर देना है। आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते नाउ सर अच्छा हो रहा है या नहीं। रिसेंटली बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, फिर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडिया ने एक पूरी नोटिफिकेशन दी कि हमने जो रिनोवेट किया वो क्यों किया, किस लिए किया, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए था। फिर उस बीच में ही उद्धम सिंह का भी एक इश्यू आ गया कि उनकी मूर्ति क्यों लगाई गई, फिर एक पिक्चर आ जाती है और फिर वो पिक्चर कहती है कि नहीं जी वो एक बहुत ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। और इस बीच में अब रिसेंटली एक और इश्यू जो क्रिएट हुआ है कि क्या हम लोगों को इस आश्रम को मॉडिफाई करना चाहिए, जो कि सही है, लेकिन सवाल ये बनता है जबकि हम जानते हैं कि हमारे पास जितने भी ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जो कि बहुत पुरानी हैं और इंडिपेंडेंस से जुड़ी हुई हैं, क्या उनको चेंज करने की ज़रूरत है। अब इस पर भी एक नोटिफिकेशन निकलेगी जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडिया ये कहेंगे कि हम इसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी लोग आए। और अभी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रिट कर दिया है कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अब इसके ऊपर भी है, अब सवाल ये बनता है कि क्या इस आश्रम का इम्पैक्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या इसको प्रिजर्व करना है, या अगर हम टूरिस्ट के लिए खोल भी देते हैं तो क्या उससे उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। किसी को इस बात से इश्यू नहीं है कि वहाँ क्या डेवलपमेंट होने वाली है या क्या होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि जो उस साइड के एरिया में लोग रहते हैं अभी, उन सबको ये क्लियरली कहा गया है कि वो जगह उनको खाली करनी पड़ेगी। अब मुझे एक वर्ड याद आता है जब गांधी जी ने खुद कहा था कि मेरी मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, मुझे देश के लोगों के लिए काम करना है। पहला वर्ड ये मेंशन करते हैं, एट द सेम टाइम व्हाट ही हैज सेड लाइक देयर शुड बी अ यूनिटी, देयर शुड बी अ इक्वालिटी, देयर शुड बी नो पॉवर्टी, देयर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन द रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, वी हैव टू वर्क फॉर द वुमेन, वी हैव टू वर्क फॉर द पीसेंट क्लासेस। ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि गांधी नहीं चाहते थे कि किसी को इश्यू हो। अब जो एरिया के लोग वहाँ पे रहते हैं उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा और फिर बिल्डिंग बनेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो अब उन फैमिली के लिए क्या रहता है। मतलब अभी मैंने जैसे रिपोर्ट आज इससे पहले भी एक क्लास हुई उसमें मैंने ये कहा था, अभी हमारे पास जो स्लम्स हैं दे आर नियर अबाउट 67 मिलियन स्लम्स में लोग रहते हैं। अब इनको अगर हम मूव करते हैं तो कहाँ मूव करेंगे, ये एक इश्यू है। लेकिन क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और याद रखिएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में यूपीएससी में क्लियरली हमें आश्रमों के बारे में पढ़ना पड़ता है। इस आश्रम के बारे में मैंने जो बैलेंस अप्रोच निकाली है होपफुली आपके लिए ठीक रहेगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये सवाल है, क्योंकि सवाल ऐसे ही बनेगा। नाउ क्रिटिकली एनालिसिस द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द साबरमती आश्रम इन टूडे एरा, डू वी नीड टू रिफॉर्म इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री and it will attract the tourist and other, इससे क्या फ़ायदा होगा। Critical analysis for the 250 वोट मुझे लगता है यहाँ पे balance approach करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये लिखते हैं कि नहीं हो तो भी खतरा है, अगर आप लिखते हैं कि नहीं होगा या करना चाहिए तो भी खतरा है। तो आप बीच वाला मार्ग, जिसको बुद्धा क्लासिक्स की एनसीईआरटी में क्लियरली कहते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन में फंसें तो बीच वाला मार्ग लेना चाहिए, वो बीच वाला मार्ग आपको आगे ले जाएगा, वही मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा। आपको ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा मॉडरेट हो जाए,
आंसर चेक करने वाला बिल्कुल यही पहचानेगा कि इसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, क्योंकि अगर कल आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं और सेम सिचुएशन आपके सामने यही खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे। उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक बच्चा है जिसने ये सारा क्वेश्चन लाया, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज थे और ये आर्टिकल कम से कम 2-4-5-6 दिन से घूम रहा है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब अगर होगा तो क्या फ़ायदा देगा। बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस क्लास आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक यूपीएससी। इस चैनल का नाम है द ग्रेट हॉल यूपीएससी 2022 और 2023, एक नई पहल अनअकैडमी की, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको लाइव क्लासेस में कहीं पे भी डाउट आता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्लास में आ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे अपने उन टीचर्स से मिल सकते हैं जिनसे आप चाहते हैं कि वो आपको गाइड करें, किस तरीके से टारगेट बनाए जाते हैं, आंसर राइटिंग किस तरीके से लिखी जाती है। सो होपफुली आपकी ये सारे सपने भी पूरे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का टॉपिक जो है साबरमती आश्रम, जो मैंने पहले ही बोल दिया है कि इसको क्या रिनोवेट करने की ज़रूरत है या नहीं। क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और इनके साथ थ्रू आउट द ईयर आप अपनी गाइडेंस लेते हैं। और मैंने एक ही चीज़ आपको बार बार बोली, इट्स नॉट अबाउट अ स्पून फीडिंग, इट्स वन मस्ट बी एबल टू ड्रॉ लाइन ऑफ डिमार्केशन व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। ये टीचर आपको बताते हैं क्या नहीं करना है और क्या करना है, बस बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। और ये यूपीएससी का एग्जाम है, इसी तरीके से चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर गोइंग विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू विल गेट ए लाइव क्लासेस। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट ए टेस्ट एनालिसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस। ये जब गाइडलाइंस की बात की जाती है ना, ये चाहिए जो अभी इस टॉपिक में आपको गाइड्स मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लान, हियर यू कैन यूज माय कोड स्वेल 10 टू गेट 10% ऑफ इंस्टेंस डिस्काउंट। एंड दोज हु वांट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन फॉर ऑप्शनल दे हैव टू पे ओनली 24,750। वाओ, अमेजिंग। जब ये पिक्चर सामने आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। काश ये चीज़ें वैसे की वैसे ही रहें जैसे ऑलरेडी हैं। रिनोवेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको ये देखने को मिलेगी, ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, उसके बाद गांधी जी का एक मतलब स्टैचू दिख रहा है आपको, काफ़ी सारी चीज़ें बात की गई, जैसा है वैसा रहना चाहिए। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लगा दें, आप जैसे हमने जलियांवाला बाग इंसिडेंट में थोड़ी सी लाइटिंग लगाई, क्या इन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि बैलेंस अप्रोच कर लें। गांधी जी को दुनिया जानती है, अगर आप रिसेंटली सुनेंगे तो यूके में इनके नाम के सिक्के बनाए गए, तो इम्पोर्टेंस वहाँ से भी तो दिखती है। अब लाइटिंग ये वगैरह नहीं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू हाउ द टीचिंग ऑफ गांधी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 2021 सेंचुरी, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम लग रहा है, रैदर देन मेकिंग अ स्टैचू एंड अदर। उसके बाद ये कहता है कि महात्मा गांधी ग्रेट ग्रेट सन, तुषार गांधी हैज मूव टू द गुजरात हाई कोर्ट, व्हाट इज सेड टू गुजरात हाई कोर्ट अगेंस्ट द गुजरात गवर्नमेंट अबाउट 1200 करोड़ प्लान टू रीडेवलप द साबरमती आश्रम। एंड व्हाई वी नीड टू डू दिस, हमें क्यों ये करने की जरूरत पड़ रही है, एंड क्या ये ज़रूरी था या नहीं। और बहुत ज़्यादा बड़ा एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि 1200 करोड़ का प्लान लेके हम लोग इस सारी चीज़ों को चेंज करेंगे। अब ये एरिया जब आप जाते हैं तो आपको बड़ा ही सिंपल सा लगेगा, बड़ा ब्रिक्स वगैरह लगाई गई हैं, पुराने मॉडल का बनाया गया हुआ है। और आप जानते होंगे कि जो आश्रम उस समय यूज़ किए गए थे उनका यही मकसद था कि लोगों को यहाँ पे डिबेट किए जाएँ, डिस्कशन किए जाए और एजुकेशन दी जाए। इसको लेके हाई कोर्ट में अब ये मसला चला गया। आप देखते हैं कि हाई कोर्ट इसके बारे में क्या रिपोर्ट देते हैं। तब से पहले आपको बैलेंस, अब ये आपका पॉलिटी में चला जाएगा, लेकिन हम लोग इसको हिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि क्या ये चेंज होना चाहिए था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गुजरात गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि इसके ऊपर काम होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इश्यू विद दिस प्रोजेक्ट, व्हाट इज द इश्यू। देखिए, तभी मैं कहता हूं कि हमें ये समझना पड़ेगा, जब ये खुद कह रहा है कि ये एक इश्यू है तो फिर नहीं करने की जरूरत है। सबसे पहला इश्यू जो मुझे लग रहा है कि इसमें सो इंपॉर्टेंट जो चीज की है, दैट वी नीड टू एक्सटेंड दिस एरिया, इट्स एरिया फ्रॉम द 5 to 55 एकड़ बाय रीलोकेटिंग द रेजिडेंट्स टू नियर बाय एरिया, जो इसके अंदर रेजिडेंट्स वाले लोग रहते हैं उनको कहां लेके जाएंगे। अभी कुल मिला के आप 5 to 55 एकड़ जो यूटिलाइज जमीन हो रही है वो सिर्फ 5 है, बाकी सारी खुली पड़ी हुई है ताकि और लोग इसका इस्तेमाल कर पाए। तुषार गांधी says that this plan is diametrically opposite to the personal wishes of Mahatma Gandhi.
वो तो मैं भी मानता हूँ कि महात्मा गांधी ने कभी कहा नहीं था कि इतना बड़ा एरिया ले लें आप और उसमें मेरी मूर्ति रख लें, ये बात क्लियर है। और ये बुक के अंदर मेंशन है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ लें, बिपिन चंद्रा पढ़ लें, वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब जब इस एरिया को हम यूटिलाइज करते हैं तो इस एरिया में अभी बहुत सारा फैमिलीज लोग रह रही हैं। अब इनको यहाँ से निकाल के आप कहाँ पे डालेंगे, तो हम कह रहेंगे कि सर इनको हम लोग अलग से कोई जगह दे देंगे, एक कॉलोनी बना के वहाँ पे इनको सेटल कर देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी अगर आपके पास 65 मिलियन लोग स्लम्स में अंडर रह ही रहे, तो अगर हम अभी तक स्लम्स के लोगों को कहीं पे रिलोकेट नहीं कर पाए, प्रॉपरली उनको नहीं कर पाए, उसके बाद एक और इशू कि जो ट्राइबल माइग्रेशन हो रही है वो कहाँ जाएगी। सबसे ज़्यादा इस बार जो माइग्रेशन हुई है वो यूपी से हुई है, तो भाई फिर सिंपल सी बात है कि इनकी बात में दम है कि नहीं होना चाहिए थे, पर्सनल विश है। महात्मा गांधी ने खुद कहा है, द प्रोजेक्ट वुड बी लेड टू द रिडक्शन ऑफ द श्राइन एंड द मेमोरियल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एंड टर्निंग द आश्रम इनटू अ कमर्शियल टूरिस्ट अट्रैक्शन। गांधी वॉज अगेंस्ट द कमर्शलाइजेशन, इट इज क्लियरली मैंशन इन द क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, लाइन नंबर 2, दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया जस्ट एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड लेटर ऑन दे टर्न इट इनटू अ कमर्शियल एक्टिविटीज। उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को कमर्शियल वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपना बेनिफिट सोचते हैं, दूसरों का बेनिफिट नहीं सोचते, फादर ऑफ नेशन ऐसी चीज़ें कभी सोच नहीं सकते हैं। तो ये जो उन्होंने पॉइंट रखा है, मे बी अब इस पर क्या रिपोर्ट आती है कि क्या अगर हम लोग इस एरिया का यूज़ करके और इस एरिया को भी लोकेट कर लें तो कोई 60 एकड़ के ज़मीन के अंदर बड़ा अच्छा खासा एक डेवलपमेंट होगी, और जब ये टूरिस्ट लोग यहाँ पे आएंगे, टर्निंग टू द आश्रम इनटू ए कमर्शियल टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। वैल्यू इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट के साथ है, प्रिजर्वेशन, नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल, और जो यूज हो जाएंगी चीजें। अब तुषार साहब की तो बात अलग है, लेकिन अब मैं कहता हूं कि अगर मुझे इसको डेवलप करना है, अभी आप जो आश्रम देखेंगे वो बहुत ही सिंगल फॉर्म में बनाया गया, ब्रिक्स वगैरह रखी गई है, सिंपल फॉर्म में है। जब इसको डेवलप किया जाएगा तो डेवलप इन व्हाट सेंस किया जाएगा कि दैट इट कैन बी डेवलप थ्रू लाइक बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सब बनाएंगे, फिर उसके बाद और बिल्डिंग बनती जाएंगी, तो फिर रियल आश्रम गायब हो जाएगा। अब कोई टूरिस्ट अगर आता भी है तो वो ये कहेगा कि गांधी रहता कहाँ था। अभी ये चीज़ बिल्कुल फिट दिख रही है। एक पॉइंट तो ये है, बींग लाइक अगर मैं टीचर हूँ और मुझे अगर आंसर लिखना पड़ेगा मेंस का, मैं इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट लिखूंगा, क्योंकि कमर्शियल चीज़ों पे गांधी हमेशा अपोज किए थे, उन्होंने बिल्कुल मना किया था। अगर कमर्शियल चीज़ें नहीं करनी होती तो वो यही नहीं कहते कि वी नीड टू गो फॉर द कॉटेज इंडस्ट्री रेदर देन गोइंग फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, विच इज क्लियरली मैंशन इन द क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1760, वहाँ पे लिखा हुआ है। गांधी जी ने उस समय भी कहा था कि भारत को इंडस्ट्रीज की ज़रूरत नहीं है, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाएगा और बेटर वे में वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडल्ज कर सकते हैं, तो ये एक इश्यू बन सकता है। अगला इश्यू इस प्रोजेक्ट के साथ है, हाउ डज द गवर्नमेंट डिफेंड इट्स मूव। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों साइड से इशू है, अब गवर्नमेंट इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि वी कैन मेक इट मोर, मेंटेन करेंगे इसको, हैज मेंटेन दैट इट वुड नॉट चेंज और ऑल्टर एनी बिल्डिंग ऑन द आश्रम कैंपस। हम कैंपस के अंदर किसी भी बिल्डिंग के साथ नहीं छेड़ेंगे। थोड़ा सा दिक्कत है, जब आप डेवलपमेंट कहीं पे करेंगे, आप 65 एकड़ से 55 एकड़ की जो जमीन बचती है वो 60 में लेके आ रहे हैं, तो आप डेवलप ही तो करेंगे उसको। अब ये कहने का मतलब है कि जो बिल्डिंग बनी हुई है, आश्रम जो बना हुआ है, उसके साथ नहीं छेड़ेंगे, इसके इर्द गिर्द में जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग ठीक करेंगे। जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इस बिल्डिंग पे पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये इश्यू बनेगा, और मुझे पर्सनली हम जब पढ़ाते हैं तो मुझे ये लगता है कि शायद इतना थोड़ा ज़्यादा हो गया कि बिल्डिंग ऑन द आश्रम कैंपस इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, प्लस All the heritage buildings would be restored as per the Gandhian ethos. जो गांधी ने बोला है हम वैसे ही करेंगे, बट फिर गांधी जी ने यह बोला था कि फिर वैसे ही चीज रहने दीजिए, तो फिर उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना या फिर कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज करना, बिजनेस है वो बिजनेस में चला जाएगा एक मूव। तो ये आपका बना पहला इशू यहां पर। तो फिर आप ये कहेंगे कि सर ये जो इन्होंने जो इसमें कहा है वो कहीं ना कहीं सही लग रहा है, हम लास्ट में इसको बैलेंस भी कर देंगे, पहले प्रॉब्लम समझते। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि कोई भी चेंज तब तक नहीं होगी, अगर आप ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे
हम तो छेड़ेंगे भी नहीं उसके साथ, तो फिर जमीन के अंदर जो चीजें लाएंगे उसको क्या कहेंगे हम? दूसरी चीज, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेंटेन दैट द प्रपोजल टू रीडेवलप द आश्रम वॉज नॉट एम टू टेक ओवर बट टू रीडेवलप, यानी हम बिल्कुल आश्रम को टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, आश्रम इन्हीं का रहेगा लेकिन हम इसको रीडेवलप करेंगे। अब ये वॉइड फिर से कंट्राडिक्ट कर रहा है, ऊपर आप कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे आप कर रहे हैं रीडेवलप करेंगे यानी कि दोबारा बनाएंगे। ओ बिल्डिंग रीडेवलप, अब इसमें जो अभी अभी तो ये पॉलिटी का भी टर्म बन गया, नाउ इट विल कम इन टू GS1 GS2 एज वेल। अब ये पॉलिटी में क्या करेगा वो भी देखना है। यहां ये लिखते हैं, अब ये वर्ड जरा देख लीजिएगा, नॉट टू चेंज, ना ही इसमें कोई अल्टर, अल्टर का मतलब एक भी चेंज नहीं लाऊंगा, नीचे यही वर्ड वापस रीडेवलप लिख रहा है वो, तो रीडेवलप का मतलब तो चेंज है। एंड इट मे बी डेवलप, इट मे बी एक्सपेंडिंग द एरिया एंड क्रिएटिंग ए मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम वो एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। कंफ्यूजन काफी सारे बच्चों को रहेगी कि सर फिर क्या है ये, एक साइड से कहा जा रहा है कि ये कोई चेंज नहीं है, एक साइड से ये खुद गवर्नमेंट डिफेंड नहीं कर पा रही है, ये इश्यू क्रिएट है, ये डिफेंड कर रहे हैं लेकिन दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों कहीं पे नहीं है, फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं? आए जरा अब हम लोगों के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं, फिर हमें डिसाइड करना है कि कौन ठीक है, क्या हम लोगों को करना चाहिए। पहले पढ़िएगा कि साबरमती आश्रम को महात्मा गांधी ने सेटअप किया था एंड लिव देयर फॉर 1917 टू 1930। अब ये एरिया 1917 टू 1931 वॉज मेजर, यही वो टाइम पीरियड है जब इंडिया आज़ाद हुआ है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड यहाँ से, देन 1925, देन 1926 साइमन कमीशन, 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1929 लाहौर सेशन, 1913 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो हम ये कह रहे हैं कि सर इंटायरली इंडिया की हिस्ट्री आश्रम के इर्द गिर्द में कर रही है, नाच रही है, तो अगर कोई भी आप डेवलपमेंट वहां पे करते हो तो शायद मे भी इस पे इम्पैक्ट करेगा। और याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडिया खुद कहती है कि जिस चीज में भी आल्टर या चेंज आएगी वो हिस्ट्री में कैसे आप इंक्लूड, वो तो ये बन जाएगा कि वो नया है, तो फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो एक तो चीज। अब ये पॉइंट जब आप आंसर में लिखेंगे बेटा, जो बच्चों ने क्वेश्चन किया था, तो मुझे लगता है कि बेस्ट आंसर है, हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। शायद एक बहुत लंबा सफ़र गांधी जी ने यहाँ पे बिताया है, बहुत सारी चीज़ें यहीं से डिसाइड हुई हैं, तो चेंज नहीं बनती। दूसरी चीज़, इट वॉज फॉर्म हिज बेस हेयर दैट गांधी लेड द डांडी मार्च ऑल्सो नोन एज साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। सेकेंड पॉइंट में ये कहता है कि गांधी जी ने इस जगह का इस्तेमाल मूवमेंट के लिए किया था, यानी कि देश को आज़ाद करने के लिए। देश को आज़ाद जब वोट कहते हैं ना, फ्रीडम, गरीबी से आज़ाद करना है आज देश को। फ्रीडम किससे चाहिए बेटा? क्राइम, ड्रग्स, इन सारी चीजों को। अगर हम, मैं इसको आज के टाइम पे भी डाल के देता हूं, अब तो हमें कोई मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर गांधी जी ने इस जगह का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज किया है, इसमें भी कमर्शियल यूज नहीं हुआ है, दो चीजें। तीसरी चीज, ऑरिजिनली अगर कहें तो कॉल्ड द सत्याग्रह आश्रम, इसको सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है, मतलब फाइट फॉर द ट्रुथ। सच्चाई ये है कि हम लोगों को यही कहा गया है कि भाई जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको हमें वहां से हटाना है, ये सत्य नहीं है, रहने दीजिए, बहुत अच्छी जगह है और बहुत खूबसूरत भी लग रही है। आप आंसर को बैलेंस कर रहे हो, आप उनको ये बता रहे हो कि बैकग्राउंड क्या है। सो कंट्राडिक्शन जहां पे हो रही है, तो आप एज ए UPSC आंसर लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है? रिफ्लेक्टिंग दैट द मूवमेंट टुवर्ड्स द पैसिव रेजिस्टेंस लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी, द आश्रम बिकम होम टू द आइडियोलॉजी दैट सेट इंडिया फ्री। ये वो जगह है जहां से भारत का एक आइडिया, भारत के लोगों ने एक डिफरेंट आइडियाज को बनाया और भारत को आजाद करवाया, और जिस जगह से हमें आजादी मिली हो उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ये आपका बैलेंस बनेगा और ये आपको मार्क्स देगा एथेंटिसिटी के साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि सर आपने एक पार्ट दिया, यानी कि हम ये डिफेंड कर रहे हैं, अच्छी चीज तो ये भी हो सकती है ना सर कि अगर हम लोग ये ज्यादा डेवलप करते हैं शायद अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, शायद गांधी को 10 लोग और जानेंगे, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। इट इज रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल एक्सपेरिमेंट इन लिविंग, गांधी जी ने यहां पे ज्यादातर समय किस चीज के लिए बिताया? सिंपल सा खाना पीना, बिल्कुल दाल रोटी, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बताया था, इट्स क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 10 NCERT चैप्टर नंबर 2,
गांधी जी ने खुद कहा था गिव अप फ्रॉम दे ऑल फॉरेन क्लोथ फॉरेन फूड, मैं नहीं खाना चाहता, मैं दाल रोटी ये सारी चीज़ें। वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कोविड 19 में पता चला था कि जिस दिन सब कुछ बंद हुआ हम लोग वापस उसी जगह पहुंचे, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि अब हमारे हैबिट चेंज हो गए हैं, अभी हम इस खाने से, तो वो मुझे याद आया था कि आप कल्चर में कैसे जीते ना वो इम्पोर्टेंट होता है। उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई जो अभी तक अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखे, दुकानें खुलनी चाहिए। वो गांधी जी यहाँ पे ज्यादातर फार्मिंग वगैरह करते थे, तो इस जगह को अगर आप उस चीज से हटा के यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे तो भी गलत है। एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूज किया गया, उसके बाद काउ ब्रीडिंग की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए वैसे भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खादी एंड रिलेटेड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज वे टेकन हियर फ्रॉम द आश्रम फॉर गांधी फ्रीडम डिड नॉट जस्ट मीन नॉट ब्रिटिश रूल। गांधी सिर्फ भारत को अंग्रेजों से आजाद नहीं करना चाहते थे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर को बचा सकता है। इट वॉज नॉट जस्ट मीन नॉट ब्रिटिश रूल बट फ्रीडम फ्रॉम सोशल इवल, फ्रीडम टू लिव एज ए सत्याग्रह लाइफ लाइफस्टाइल। और भाई ये चीज 1915 की है कि गांधी खुद कहते हैं कि सिर्फ अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए नहीं आया हूं, सोशल इवल लाइक प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम। रिसेंटली कोविड 19 में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज हुए राजस्थान के अंदर, तो ये सोशल, हमें काम उन चीजों पे करना है जिससे हमारे कंट्री को इंपैक्ट हो रहा है। और फिर वो कहते हैं बट फ्रीडम फ्रॉम द सोशल इवल सत्याग्रह लाइफ स्टाइल ही डेवलप दोज इन द साबरमती आश्रम। सो दिस आश्रम हैज नाउ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट एंड इट विल सर्व एज लाइक एज अ रोल मॉडल व्हाट ईबी टेलर सेड इन हिज फेमस बुक इन सोशियोलॉजी दैट द कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ विच इंक्लूड मॉरल बिलीफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। लेकिन उसने ये वर्ड मेंशन नहीं किया था कि अगर उसमें आप कुछ भी चेंज लाते हो तो फिर बात खत्म हो जाती है। होपफुली आप बैलेंस कर पा रहे होंगे। आइडिया ऑफ डिग्निटी इन लेबर, यही वो जगह है जहां से लेबर को अपनी डिग्निटी मिली थी पहली बार, जब गांधी जी ने इसी आश्रम से ये कहा था कि अब लेबर का जो स्टैंडर्ड है वो मैं हाई करूंगा। क्या बात है, आज उसी जमीन के अंदर लेबर रह रहे हैं जो दिन को काम करते हैं वो रात को वहां रुकते हैं, उनको आप निकालेंगे तो लेबर अपने मन में यही सोचेगा कि बापू ने डिग्निटी की बात की थी कि लेबर मेरे साथ साथ रहेंगे, क्योंकि गांधी स्टार्टेड इन 1915 जब वो आए थे तो उनको कहा गया था कि डू यू वांट टू ज्वाइन INC सेड लाइक नो आई वांट वर्क फॉर पीजेंट वर्कर, इन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। डिग्निटी इन लेबर, वो लेबर अभी जो काम कर रहे हैं जो रह रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा श्योरली, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। सो इंडिपेंडेंट मूवमेंट वॉज अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस, गरीब लोगों को ऊपर उठाना है। शायद रीडेवलपमेंट प्लान से गरीबों को वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, तो भी कंट्राडिक्शन कर रहा है क्योंकि जो इन लोगों ने वर्ड यूज किया है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहे हैं, द गुजरात गवर्नमेंट हैज मेंटेन्ड दैट इट वुड नॉट चेंज एंड एज पर द गांधीयन फिलोसफी, हम गांधी के एथॉस के ऊपर ये सारा कुछ करेंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि डिग्निटी मिलनी चाहिए लेबर को और वो तभी मिलेगी जब वो बैठा होगा। देखिए कंट्राडिक्शन, इस तरीके से आपको आंसर निकालना पड़ेगा और बैलेंस करके देना पड़ेगा भाई। और कैंपेन फॉर द क्लीनिनेस बिकम अ पार्ट ऑफ द गांधीयन आइडिया, जिसको हमने बाद में, अच्छा एक बात और यहाँ पे क्लियर करें, स्वच्छ भारत के ऊपर जो बहुत बड़ा कल्चर आप लोग कहते हैं ये गांधी ने 1915 में कहा था, स्वच्छ भारत अभियान, सफाई रखिए। अब जिस जगह की ये बात की जाती है बहुत साफ सुथरी जगह है, कुछ लोग जो वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं सुबह गांधी को देखते हैं थोड़ा दिल हल्का होता होगा। अब ये भी एक चेंज है, न्यू इंडिया एंड बोथ द गांधी जी एंड द कस्तूरबा जी क्लीन दिस आश्रम देमसेल्फ, वो खुद साफ करती थी। 55 acres जमीन को साफ करने के लिए शायद मशीनों का जरूरत पड़ेगा। आज भी यहाँ पे एक, अगर आप जाएंगे कभी भी तो आज भी यहाँ पे जो आश्रम की रखवाली करते हैं वो बाहर से कोई नहीं लाते, वो खुद साफ करते हैं। तो फिर जब मशीनें आएंगी तो शायद, मुझे लगता है आपने वो इथॉस की बात की है ना उसमें, कि वो नहीं बन रहा है, वो फिट नहीं हो रहा है कि गांधी की फिलॉसफी के साथ नहीं। फिर गांधी जी ने इसी आश्रम को एज अ स्कूल यूज किया है। तो आइए ना फिर एक काम करते हैं कि इस जमीन के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने की बात की जाती है, लेट्स मेक अ स्कूल। नियर अबाउट 6 million स्टूडेंट्स अभी इंडिया के अंदर स्कूल के अंदर नहीं है, इसी आश्रम की जमीन में अगर एक स्कूल बनाया जाए और गांधीयन स्कूल के नाम से रखा जाए वो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज आईएएस ऑफिसर से ऐसे सवाल हुए, व्हाइल एट द आश्रम गांधी फॉर्मेड अ स्कूल दैट फोकस ऑन मैनुअल लेबर एग्रीकल्चर
लिटरेसी टू एडवांस इज एफर्ट टू बी सेल्फ सफिशिएंसी। अब ये याद रखिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा कि हम बच्चों को वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन स्कूल वेर ओपन एज एन ऑल्टरनेट टू द ब्रिटिश स्कूल ऑपोजिट। इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 10th एनसीईआरटी जब गांधी सेड लाइक बायकॉट ब्रिटिश स्कूल्स। मैं अपने स्कूल आपको बना के दे दूंगा। आइए फिर एक काम करते हैं सर कि इसी जगह को स्कूल्स यूज करके बना के बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं और बड़े अच्छे स्कूल हम दे सकते हैं गरीबों के लिए जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, यहीं से आपकी डांडी मार्च शुरू हुई और यही वो जगह थी जहां से गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स के साथ एक लंबे सफर पे निकले और फिर साल्ट के ऊपर लड़ाई हुई कि ये साल्ट बिलोंग्स टू इंडिया। दिस प्लेस इज होम टू द लीडर जिनको आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं। देश पे मर मिटने वालों की जगहों को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है जब हम हर दिन उनको सेलिब्रेट करते हैं, अपने बच्चों को उनके बारे में कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे वो रुके थे, वो अब आज भी वो जगह ऐसी की ऐसी है, तो अल्टर तो हो ही जाएगा, बदल तो जाएगा, बिहेवियर एज़ इट डिड। तो यहाँ से बनता है आश्रम रेलिवेंस टुडे। अब सुहेल सर ये कह रहा है कि आज का दिन, मान लीजिए आज के दिन में आज इसकी रेलिवेंस है कुछ कि सर चेंज कर दें क्या, जरूरत नहीं है। ये आश्रम आपको बार बार रिमाइंडर डाल रहा है, रिमाइंड अस टू बी होपफुल, उम्मीद रखिए। और इस पर वो मुझे बड़ा अच्छा इकबाल का एक शेर याद आता है उन बच्चों के लिए जो इस बार यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाए, कि गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में वो तिफ्ल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। गांधी के लिए सफ़र बहुत खतरनाक था। 1922 को गांधी जी ने बाइकॉट कर दिया तो बहुत सारे लोगों ने गांधी को मना कर दिया, बोला ये बंदा कुछ नहीं करेगा। फिर वर्ड यूज़ किया था मुझे उम्मीद है। देन अगेन इन 1928 को उनको एक चैलेंज मिला। ब्रिकन हेड कहता है कि गांधी क्या हिम्मत है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखा सकते हो तुम? तो गांधी सेड यस ऑफ कोर्स, मेरे पास मोतीलाल नेहरू है। और मोतीलाल नेहरू ने बनाया, फिर फेल हुए। 1929 को गांधी ने कहा कि मेरे पास एक और उम्मीद बचती है कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से भारत को आज़ाद करवाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली ये मूवमेंट भी फेल हो गई। सो ये रिमाइंड करवाता है आश्रम, ना उम्मीदी नहीं करना है, आप गिरेंगे फिर संभल के उठेंगे, जरूर कामयाब होंगे। तो ये इससे बड़ी बात क्या है, आज के टाइम पे हमें सबसे ज्यादा यही चीजें रिमाइंड करवाने की जरूरत पड़ती है, इसको चेंज करना। द आश्रम एम्बॉयड द ट्रू मेमोरी ऑफ गांधी, हिज प्योर ट्रूथ एंड अटमोस्ट ह्यूमैनिटी, हिज वे ऑफ लाइफ। सो आई कैन से दैट दिस आश्रम इज स्टिल हैव द लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द आइडिया ऑफ द ट्रूथ, A man who once lived there and lived for the nation and died for the nation. ये वो जगह है ना जहाँ पे वो पैदा हुए, वहीं से शुरू हुआ, वहीं पे एंड भी हुआ। A man who wanted this high idea to be held always by a nation, so as a great India. Lighting से great India नहीं बनता है, विचारों से बनता है। ये मैं चाहता था कि आप अपने आंसर में लिखें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और Unacademy, let's crack it. ये वो जगह है जो आपको एथेंटिसिटी के बारे में बात करिए। मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप पढ़ें, कंट्रडिक्शन होगा, न्यूज ऐसी ही दी जाती है, लेकिन आप कैसे उसको बैलेंस करते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब। उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में आपको यह पता चला होगा कि बैलेंस कैसे हम लोग कर सकते, अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप सारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डू शेयर विद योर फ्रेंड। और आप में से अगर किसी बच्चे को इस तरीके के डाउट हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से आंसर लिखें सर, आप विजिट कर सकते हैं और आप भी इसी तरीके से अपने डाउट लेके क्लास में आ सकते हैं, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके डाउट आपके सामने क्लियर हो और जितनी भी हमसे हेल्प हो पाए। सो थैंक यू सो मच। अगली इसी तरीके से एक और नई वीडियो में मिलूंगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस। डू रिमेंबर वन थिंग, कीप योर कंटेंट लेस एंड मोर रिविजन। बाय बाय।